Hey guys, what's up? जितनी भी गालियां हम नॉर्मली डेली लाइफ में सुनते हैं उन सब के मीनिंग्स हमें पता होते हैं. दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट देयर इज वन गाली जिसका मतलब हमेशा सवालों के घेरे में रहता है. चूतिया. आई मीन, अगर कोई भी मुझसे पूछे ना कि भैया इस गाली का मतलब क्या है या इसका मतलब क्या है, तो मैं बता दूंगा. लेकिन अगर मुझसे कोई चूतिया का मतलब पूछे, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आएगा कि मुझे नहीं पता उसका एक्चुअल मतलब क्या है. तो इसी दुविधा का निवारण करने के लिए Look what I got! बृहत हिंदी कोश, हिंदी की डिक्शनरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ मिशन ऑफ फाइंडिंग द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड चूतिया. ओके, च कहाँ है, कितने है च. ओके, च च च चूत, चूतड़, चूतिया. आई फाउंड इट. ओके, सो चूतिया का द मीनिंग नंबर वन इज मूर्ख एंड द मीनिंग नंबर टू इज बुद्धू. आर यू सीरियस? कुछ एडल्ट मतलब भी होना चाहिए यार इसका. कुछ नहीं है क्या? क्या क्या मतलब चूतिया एक एडल्ट वर्ड नहीं है? चूतिया एक गाली नहीं है? शिट मैन, आई गेस लोगों को इतनी मिसकंसेप्शन इसलिए है चूतिया वर्ड को लेकर क्योंकि चूतिया के शुरू में आता है चूत, विच बाय द वे मींस योनी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो पीपल, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन चूत एंड चूतिया. सो प्लीज, कोई भी पब्लिक में चूतिया बोलता है तो उसको ऐसी नजरों से देखना बंद करो. ही इज जस्ट यूजिंग अ प्योर PG-13 वर्ड, बच्चों के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है. एंड द नेक्स्ट टाइम यू वांट टू लविंगली स्कोल्ड समवन, धत बुद्धू, धत चूतिया, इट साउंड्स मोर फन. आई विश ये डिक्शनरी मुझे स्कूल टाइम में हाथ लगी होती. मैं वेट करता कब टीचर मुझसे मूर्ख का पर्यायवाची शब्द पूछेगी. जड़, चेतन, बुद्धू, चूतिया. अगर आप भी मेरी तरह इतने साल चूतिया वर्ड के मीनिंग को लेके चूतिया बनते रहे हैं तो बंद करो ये चूतियापंथी एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. शेयर द विजडम पीपल. तब तक और ऐसे वर्ड्स का मतलब देख लेता हूं जो फालतू में बदनाम हुए पड़े हैं.